नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस की कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने मेडिकल स्टोर की जांच शुरू कर दी है। एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि रविवार शाम करीब 8 बजे के लगभग पुलिस टीम TIBL मंडलोई के साथ छोटी मोंटा के क्षेत्र पहुंची। यहां हयात मेडिकल में दवाइयों का स्टॉक जांचा गया। कुछ दवाइयां ऐसी भी मिली जो बगैर डॉक्टर की अनुमति के नहीं दी जा सकती है। इनका बिक्री स्टॉक रजिस्टर में मेंटेन करना होता है। संचालक को ड्रग इंस्पेक्टर योगेंद्र यादव ने नोटिस देकर 7 दिन में इन दवाइयों का स्टॉक करने का जवाब मांगा है। मेडिकल पर हुई कार्यवाही के बाद अन्य मेडिकल व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। एक के बाद एक मेडिकल बंद कर दिए गए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। एसपी सर के निर्देश पे हमें नशा मुक्ति अभियान के तहत निर्देश प्राप्त हुए थे, तो एक जॉइंट इंस्पेक्शन टीम बनाई गई एसपी महोदय के द्वारा। तो उसके अंतर्गत हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर की चेकिंग की गई, तो इस पर हमें कुछ मेडिकल सैंपल वगैरह मिले हैं और कुछ दवाइयों के हमने इनके सेल परचेज रिकॉर्ड मांगे हैं। उसकी 2 दिन में सबमिट करेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई की। कुछ अमानक की पाई गई? अमानक का तो नहीं है, जैसे हमने जो फिजिशियल सैंपल इनके यहाँ पाए गए थे वो नहीं रखे थे, जो डॉक्टर्स के लिए रहते हैं वो पाए गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।